2021 में अफ्रीका में आई ट्रॉपिकल स्टॉर्म एना के इम्पैक्ट को जब साइंटिस्टों ने स्टडी किया ना, तब पता चला कि उस साइक्लोन में करीब 40-50% प्लैंकटन्स खत्म हो गए थे। और साथ ही ये भी बताया कि जब जब ऐसा हुआ है उस समुद्र की मरीन लाइफ कोलैप्स हुई है। यानी ये बिल्कुल साफ है कि सोलर पैनल से अगर हरिकेन्स या साइक्लोन्स आए तो वो बेसिकली समुद्री जीवों के लिए एक डेथ सेंटेंस होगा। अब ऐसा इसीलिए ना, बिकॉज यू सी सहारा दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक गर्म तो दूसरा ठंडा, और इसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर एक विंड जनरेट होती है विच इज नोन एज ईस्टरली विंड। लेकिन क्योंकि अफ्रीका इक्वेटर पर पड़ता है इसीलिए डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता। यूजुअली जब यहाँ पर ईस्टरली विंड बहती है तो वो खतरनाक हरिकेन्स नहीं क्रिएट करती, लेकिन